बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे, फ्रूट चाट बनाएंगे। टेस्ट में बहुत ही आला होगी, लो कॉस्ट होगी और पॉकेट फ्रेंडली भी होगी। फ्रूट चाट रेसिपी अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। थोड़े से हमने बहुत कम से इसमें फ्रूट यूज़ किए हैं, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। कुछ सीज़न के फ्रूट लिए हैं, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, खरबूज़ा ले लिया, उसके साथ ये एप्पल हैं। ये ज़बरदस्त से फ्रूट लिए हैं, इनकी कटिंग कर लेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले मैं ये सारे फ्रूट जो है काट लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से एप्पल काट लेने, लेकिन एप्पल काटने के साथ ही आपने क्या करना है कि इस पे 2 चम्मच के करीब शुगर ऐड कर देनी है। इससे जो है वो जो ये सेब हैं ये ब्लैक नहीं होंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी स्पेशल सी टिप है। आपने इसके ऊपर चीनी ऐड कर देनी है और सेब सारे जब कट जाएंगे उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टैंग पाउडर, ये ऑरेंज फ्लेवर में लिया, और साथ इस पर ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच के करीब इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे रही हूँ आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे जो ये चाट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला बनेगी। ये इसको मिक्स कर देंगे। अब जो है ये एप्पल ब्लैक नहीं होंगे, और उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 6 से 7 केले काट के। उसके साथ ये कुछ स्ट्रॉबेरी है, इसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया था, ये इस पर ऐड कर दिए। बहुत ज़बरदस्त सी चाट बनेगी, इसकी टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होगा और ये हेल्दी भी होगी। लास्ट पे इसमें ये क्यूब्स कट में ऐड कर दिए मेलन, ये खरबूज़ा है तकरीबन 1 कप के करीब, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, इन सबको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती ये हमारी चाट तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पर लास्ट पे गार्निश कर देंगे खजूर से, खजूर के स्लाइसेस में इसको कट कर लिया था, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हेल्दी भी है, और ये जो सिंपल से जो हमने सीज़न के फ्रूट थे उससे ये ज़बरदस्ती चाट तैयार की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, इस रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया है, तो इसलिए ये बच्चे भी खा सकते हैं आराम से। आप चाहें तो, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इस पे चाट मसाला जो होता है फ्रूट चाट मसाला वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। इस तरह से ये हेल्दी भी होगा। इस पे जो इमली की चटनी ऐड की है उसमें थोड़े से स्पाइसेस हैं, तो उससे ये चाट का फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के हाफिज़।